करे तो क्या करे। ये वही आदमी है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। नहीं 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 बीनू, जाने दे पुत्र। अंकल क्या सोच रहे हैं? पुत्र मैं सोच रहा था कि कहीं राहुल ने इद्रीस को देख लिया तो पता नहीं उस पे क्या असर हो। कहीं मेरी प्रीत के ठीक होने की आखिरी उम्मीद खत्म ना हो जाए। इद्रीस जेल में है, फिर राहुल के उससे मिलने के चांसेस कहां हैं? तो ठीक कह रहा है पुत्र, बस रब हमारी छोटी छोटी खुशियों को बरकरार रखे। क्या बात है, बहुत देर कर दी। अच्छा प्रमोद भैया ने साइन कर दिए? मीनाक्षी, डैड कहाँ है? डैडी ऑफिस गए हैं। ओह, तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। तो मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा कर आता हूँ। अच्छा अच्छा, इसे तो ले जाओ। थैंक यू। मीनाक्षी मेरे कपड़े। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ खो गई है? तुम्हें पता है मैं लेट हो रहा हूं, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं निकाले। दो जल्दी से, जल्दी दो। ये क्या, कभी पहना है मैंने ये ऑफिस के लिए? आयरन तक के नहीं है। हटो, मैं खुद निकालूंगा। एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा काम कहता हूं, वो भी नहीं कर सकती हो तुम? मीनाक्षी, इसमें बटन अभी तक टूटे हुए हैं। मीनाक्षी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई मीन, अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा क्या मुझे? आर यू ओके? तुम जानती हो इतनी टेंशन है अभी, और कम से कम मेरे कपड़े को तो ध्यान रख लिया करो। So sorry. आज तो बस बाल बाल बचा हूँ, ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। भास्कर, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, तुम्हारा पहला प्यार। मुझसे तो घबराते हो नहीं, तो उससे इतना क्यों डरते हो? उससे डरता नहीं हूँ, उसका लिहाज करता हूँ। And don't worry, वक्त आने पर उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना नहीं रह सकता। ऐसे हंसा करो ना, कितने अच्छे लगते हो। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। मैंने दिए थे ना रितिका डिवोर्स पेपर्स, हाँ, और कहा था कि मेरा भास्कर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ,
तुम्हें नहीं लौटाया था ये मंगलसूत्र, तो फिर क्यों क्यों मिलती है उसको छुपके से? हाँ क्यों? नहीं रितिका, अब ये नाटक मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैं आऊं ना ना, मैं आऊं आ जा। जाके भैया मैं आ गई। आ गई कहाँ थी जो आ गई? आप भी ना। अच्छा एक बात पूछू? हाँ पूछो। वीनू को खाने में क्या क्या पसंद है? खाना? चैप्टर के बच्चे, बस एक बार मेरा दांव चलने दे, फिर तुझे इस शहर से तो क्या दुनिया से भी बाहर कर दूंगी। करेला? क्या? वीनू भैया को करेला पसंद है, वो भी भरवा करेला। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए करेले ले आइए, मैं बनाऊंगी भरवा करेले। वीनू भैया से सरगम के हाथ के करेले खाते हैं। मेरे हाथ का करेला खाएगा तो सरगम को भूल जाएगा। तान्या क्या चाहती है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। पुत्र मेरी समझ में तो बस इतना ही आ रहा है कि इंसान कभी कभी छीन कर अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है। तान्या तुझे चाहती है और तुझे पा लेना चाहती है किसी भी तरह। वो ठीक है अंकल, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो घर में और कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अब ये मीनाक्षी है ना पुत्र? हाँ मीनाक्षी, रितिका के ऑफिस में। और ये वाला मीनाक्षी, तुम यहां क्यों? ताज्जुब हुआ मुझे यहां देखकर, या किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है रितिका। क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी गैर के सामने बात करूं? और कितने आदमियों को बर्बाद करोगी रितिका? कहना क्या चाहती हो तुम मीनाक्षी? वही जो तुम सुनना पसंद नहीं करोगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम बैठ जाओ पहले, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस रितिका बस, ये स्वीट बनने का नाटक तुम मर्दों को फंसाने के लिए कर सकती हो, मुझे नहीं। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो और तुमने तो सारी हदें पार कर दी है रितिका। मीनाक्षी कौन सा रूप है तुम्हारा? और तुम्हारा ये कौन सा रूप है रितिका? ये डिवोर्स पेपर्स तुम्हें ने भास्कर को दिए थे ना? ये मंगलसूत्र तुम्हें ने लौटाया था ना? और कहा था मेरा भास्कर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये नाटक क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद अब तो उसका पीछा छोड़ दो रितिका प्लीज। लता दीदी ठीक कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में कई आदमी है, कई, उसमें से एक ये करण। रितिका मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने दोबारा भास्कर को मिलने की कोशिश की या उससे कोई भी रिश्ता रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं। रितिका, how can she talk to you like that? करण शायद अब यही मेरी नियत थी। रितिका मीनाक्षी तुम्हें इतना कुछ कह गई और तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों? बड़ी मुश्किल से तुमने एक बार फिर से जीना सीखा है रितिका। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा टूटने नहीं दूंगा। वीनू नहीं आया अभी तक। करेले भी ठंडे हो जाएंगे। भूख लग रही है बड़ी तेज।
अरे वाह करेले, भूख लगी थी और बढ़ गई। बस बस। अरे वीनू और लेना, तान्या ने खास अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। नहीं जाते वीनू, खाना खा के जा। भूख मर गई। बुरा मत मानना तान्या, क्या है कि सरगम के हाथ के सिवाय वीनू किसी के हाथ का करेला खा ही नहीं सकता। ला, मैं खा लेता हूँ। भाई जी को तो भाई जी खा लेंगे। गुड, पावर अटॉर्नी तो मिल गई, अब कम से कम कुछ तो कर्जे उतार पाएंगे। हाँ डैड, कुछ तो टेंशन कम होगी अब। जैसे बेटा मैं चलता हूँ, कुछ और पेपर्स भी तैयार करने, इस मामले को सुलझाऊं किसी तरह से। ओके डैड। Yes, who is it? Ritika का दोस्त। ये क्या जलील हरकत है तुम्हारी? क्या है ये सब? बनो मत। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये तुमने नया तरीका निकाला रितिका को टॉर्चर करने का। करण। भास्कर, तुम्हारी बीवी जब जी चाहे आकर रितिका को कुछ भी कह जाती है। ये हरकतें बंद करो वरना। करण। अपनी हद मत पार कर। कोई है यहाँ पर? क्यों? धक्के मार के बाहर निकाल दोगे? भास्कर, अगर रितिका को कुछ हुआ ना, तो इतना याद रखना मेरा नाम करण है। जानता हूँ कि तुम्हारा नाम करण है। दोस्ती के नाम पर धब्बा है तुम। कलंक है इंसानियत के नाम। तुम्हारी पहचान क्या है? इससे मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं और इसे अच्छे से याद रखना। अगर आज के बाद तुमने तुम्हारी बीवी या तुम्हारे घर के किसी भी आदमी रितिका की बेइज्जती की, उसका अंजाम अच्छा नहीं। आंखों में आंसू हैं। हाँ भास्कर, भास्कर तुमने मुझे कितना रुलाया है, लेकिन क्या कभी मैंने कोई शिकायत की? अब अगर मीनाक्षी भी मुझे। प्लीज रोमत, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं है। रितिका, प्लीज डोंट क्राई। मुझे तुम्हारा दिया गया हर दुख बर्दाश्त है, पर क्या मुझे मीनाक्षी को भी सुनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीनाक्षी कोई भी नहीं होती, तुम्हें कुछ भी कहने वाली। रितिका, हाँ।
तो मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। प्लीज प्लीज अब रोना बंद करो। प्लीज डोंट क्राई। क्या है, क्या है ये सब? तुम रितिका के ऑफिस गई थी? क्यों गई थी? भास्कर मैं वो क्या, कितना शर्मिंदा किया है तुमने मुझे। सच्चाई तो कही मैंने। स्टॉप इट नाउ। तुम और रितिका, क्या तुम्हें शर्म नहीं है उसके ऑफिस में जाके इतना सीन क्रिएट करके? देखा, सच कहा था ना मैंने, तुम रितिका से मिलते हो, रितिका तुमसे मेरी शिकायत करती है। तुम मुझसे नहीं भास्कर, तुम अभी रितिका से प्यार करते हो। बख्श दो मुझे प्लीज, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, पागल हो जाऊंगा मैं। मीनाक्षी, तुम्हारा ये जो फिजूल का शक है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है भास्कर, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। जब तुम रितिका से प्यार करते हो तो मेरी जरूरत ही क्या है? मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। थोड़ा सा जोर से दवा ना, मैं दवा लेके आता हूँ, डॉक्टर ने गर्म पानी से लेने के लिए कहा, मैं अभी लाया।